आज की जो यातायात की तरफ से जो जनरल कार्रवाई है उसी कार्रवाई को करते हुए टेम्पो के परमिट, जो पार्किंग जोन से बाहर थे टू व्हीलर फोर व्हीलर उनके चालान काटे, और जो ठेले थे उनके 60 के चालान भरे 60 पुलिस एक्ट के, और उनको हिदायत दी गई कि आप इस तरह से सड़क पर खड़े नहीं रहेंगे, जाम नहीं करेंगे। और आए दिन ये पड़ाव और रेलवे स्टेशन के आसपास है वो जनरली प्रॉब्लमेटिक स्थान है, और इस स्थान को देखते हुए तय किया गया है कि पर डे तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन तीसरे चौथे दिन ये कार्रवाई कंटिन्यू रखेंगे। सख्त कार्रवाई करते हैं, सख्त कार्रवाई नहीं होने का रीज़न ये है कि अजमेर में जो पॉपुलेशन और जो व्हीकल्स नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो बहुत ज़्यादा है, और सड़कें हमारी लिमिटेड है, और जो उस हिसाब से जो हमारी नफरी है वो पर्याप्त नहीं है। जहां हम एक तरफ कार्रवाई करते हैं वहां व्यवस्था सही हो जाती है, और दूसरी तरफ जहां हमारा कोई व्यक्ति मौजूद नहीं होता है तो व्यक्ति जब तक खुद नहीं समझेगा तब तक ये समस्या का सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके लिए खुद को समझना पड़ेगा, खुद को रूल को फॉलो करना पड़ेगा। आपके लिए प्लाजा टाकी जो है उसके वहाँ तारागढ़ सवार की गाड़ी लगती है, हाँ हाँ उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बिल्कुल उस पर भी कार्रवाई करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन उसका पुख्ता इंतजाम अब ये देखेंगे कि जिस रास्ते से ये लोग एंट्री मारते हैं उन रास्ते को ब्लॉक करके और पूरा नो एंट्री कर दिया जाए, और उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी वापस ह्यूमन रिसोर्सेज की, क्योंकि रास्ता ब्लॉक हम एकदम कर नहीं सकते। फोर व्हीलर की एंट्री के लिए ज़रूरी है हमारा एक आदमी वहाँ खड़ा रहे, तो उसके लिए जैसे ही हमारे पास पर्याप्त नफरी होगी इनके 3-4 रास्ते हैं आने के लिए, तो हम चाहते हैं 3-4 रास्ते पे हमारा आदमी खड़े करें और उसको टोटली इन जो टैक्सीज वगैरह हैं इनको रोका जाए। रीज़न मैंने कहा ना यही है कि मैन पावर कम होने की वजह से हम हर गली में खड़ा नहीं कर सकते, और यहाँ आने के रास्ते अनेक हैं। जब हमारे पास मैन पावर होगा हर रास्ते पे हम बाकायदा आदमी अपना खड़ा करेंगे और इनको बिल्कुल फोर्सफुली इनको वहाँ स्टे करवाएंगे।